परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करता है कभी आपने सोचा है? इसलिए क्यों? आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करता है? एक मां अपने बच्चे को क्यों प्रेम करती है? एक पिता अपने बच्चे को क्यों प्रेम करता है? इस रहस्य को अगर आप समझ जाएंगे तो आप इस रहस्य को समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करता है। जब परमेश्वर ने मुझे बेटी दी 8 नवंबर 2008, पहली बार जब मैं पिता बना और मैंने अपनी बच्ची को अपने हाथों में उठाया, मैंने इस बात का अनुभव किया कि पिता बनना और उसकी भूमिका कितनी अद्भुत है, उसका अनुभव कितना अद्भुत है। अभी तो हमने उसका नाम भी नहीं रखा, अभी तो हम उसे घर भी नहीं ले गए, लेकिन उसके प्रति हमारा जो प्यार है वो उमड़ रहा है। हम उसे देखे चले जा रहे, घंटों देखे चले जा रहे। क्यों? अभी तो उसका जन्म हुए, 2 घंटे हुए। आप जानते क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा लहू है, हमारा प्राण उसके अंदर बसता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा भीड़ में अपनी मां को पहचान लेता है। बहुत सी महिलाओं को, बहनों को आप खड़ा कीजिए और उनमें से किसी एक के बच्चे को आप छोड़ दीजिए, आप देखेंगे वो बच्चा धीरे 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 अपनी मां के पास आ जाएगा। ये सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच का संबंध है। एक सृष्टिकर्ता, एक जननी अपने बच्चे को पहचानती है, ठीक इसी तरह एक बच्चा भी अपनी जननी को पहचानता है। क्यों? क्योंकि उससे उसे सुख मिलता है, उससे उसे सुरक्षा मिलती है, उसका पेट भरने वाली वो जननी है, उसकी मां है, उसका पिता है जो उसके लिए मेहनत करता है और 2 वक्त की रोटी लेकर आता है और अपने हाथों से खिलाता है। मां बाप बच्चों को पहचानते हैं और बच्चे भी मां बाप को पहचानते हैं। ये संबंध अद्भुत है, अलौकिक है। ठीक इसी तरह और इससे बढ़कर परमेश्वर का प्राण हमारे अंदर बसता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मिट्टी ली और मिट्टी से आदम को बनाया और उसके अंदर अपना प्राण फूंक दिया। जब परमेश्वर कहता है कि उसने जगत से प्रेम रखा, जगत से उसने कीट आप समझ रहे हैं, जीव जंतुओं से, कीटाणुओं से प्रेम नहीं रखा, उसे सांप बिच्छुओं से प्रेम नहीं रखा, उसे गधे घोड़ों से प्रेम नहीं रखा, आसमान में उड़ती हुई पक्षियों से प्रेम नहीं रखा, पहाड़ों से और सोने चांदी से प्रेम नहीं रखा, उसने जगत से अर्थात आपसे प्रेम रखा, आपसे प्रेम रखा। उसने आपसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को इस संसार में प्रकट किया, दे दिया। जैसे एक मां बच्चे का बोझ उठाती है 9 महीने तक और सारी जिंदगी, और पिता सारी जिंदगी उन बच्चों का बोझ उठाता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें खिलाता, उन्हें पिलाता। इन रहस्यों को समझिए, इन सिद्धांतों को समझिए, तब आप उस परमेश्वर के निकट आएंगे, उस परमेश्वर को जान पाएंगे। अगर एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, तो वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपकी चिंता क्यों नहीं करेगा? इसलिए उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है और योजनाओं में तुम्हारे लिए लाभ है, उन्नति और जीवन है और अनंत काल का जीवन है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि आप जीवन को प्राप्त करें। वो जीवन आपको कोई नहीं दे सकता था। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए घड़ी मेरी है, ये मेरी घड़ी है, लेकिन क्या आप में से कोई ये घड़ी किसी को उतार कर दे सकता है कि ये घड़ी लीजिए? जब तक मैं इसे देना ना चाहूं, आप इसको उतार कर अपने पड़ोसी को नहीं दे सकते कि भैया मेरी तरफ से घड़ी ले लो, क्योंकि तो मेरी है। जीवन किसका है? जीवन परमेश्वर का है। कोई संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर, ज्ञानी आपको जीवन नहीं दे सकता। वो जीवन के बारे में बात कर सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए देता हूं, अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। और उसने क्रूस की भयानक मृत्यु को चखा और आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। भयानक मृत्यु को, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसने आपको जीवन देने के लिए मृत्यु को चखा।
उसने आपको जीवन देने के लिए अपमान को चखा। आप जानते हैं, अगर आज आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे तो आपका पहला प्रश्न क्या होगा? आपका पहला प्रश्न होगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं। अगर कोई आपसे झगड़ा करे, आपके ऊपर हाथ उठाए, धक्का मुक्की करे, तो आपका पहला प्रश्न क्या होगा? सामने वाले से आप पहला प्रश्न क्या रखेंगे? अभी तुम्हें बताता हूं, तुम जानते नहीं हो कौन हो। लेकिन आप जानते हैं, वो परमेश्वर जो सामर्थी है, विराट अगम्य और आदित्य है, जिसकी महिमा स्वर्गदूत गाते हैं, जिसका सिंहासन स्वर्ग में है और पृथ्वी जिसके पांव की चौकी है, जब वो इस मनुष्य बनकर इस संसार में आया, बाइबल कहती है उसके मुंह पर थूक दिया गया, उसने उस अपमान को सहा, उसके गाल पर थप्पड़ मारे गए, उसके सर पर प्रहार किया गया, उसकी पसली पर प्रहार किया गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। बीमार उसके पास में आए, उसने छुआ और शिफा दे दी। कोढ़ी उसके पास में आए, उसने कोढ़ियों को छुआ और शिफा दे दी, चंगाई दे दी। आंधी और तूफान शहर में आ गया, चेले कहते कि प्रभु हम मरे जा रहे हैं, तूफान इतना तेज है। प्रभु ने कहा, अपने मुख से एक वचन बोला और तूफान, आंधी तूफान डांटा और रुक गया। लाजर को मरे हुए 3 दिन हो गए थे, उसकी लाश कब्र में सड़ रही थी। प्रभु ने कहा, लाजर बाहर निकल, और वो लाजर जीवित हो गया। इतना सामर्थी आदित्य और विराट परमेश्वर, जिसके कह देने से, परमेश्वर का वचन कहता है कि ग्रह नक्षत्र अपनी दिशा को बदल देते हैं, जिसके कह देने से आंधी और तूफान रुक जाते हैं, क्या उसे कोई छू सकता है? क्या कोई इसके मुंह पर थूक सकता है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, यशाया ने कहा कि प्रभु की उपस्थिति में मैं खड़ा हुआ मर रहा हूं, यशाया 6 में लिखा है। उसकी उपस्थिति सूर्य से भी प्रतापी और भयानक है। इतना तेज और प्रकाश प्रभु में से निकल रहा था, इतना प्रकाश उसमें से निकल रहा था कि स्वर्गदूत भी अपनी आंखें बंद कर खड़े थे। क्या उस परमेश्वर के मुंह पर कोई थूक सकता है? क्या कोई इसे छू सकता है? जब रोमी सैनिक, रोमी याचक और सैनिक यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा, तो प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था जिसका नाम था पतरस, उसने अपनी जेब में से तलवार निकाली और एक सैनिक का कान काट दिया। सुनिए ध्यान से, एक सैनिक का, जो सैनिक, जो सिपाही यीशु को पकड़ रहा था, उसका कान जो है पतरस ने, जो यीशु का शिष्य था, काट दिया। यीशु ने क्या किया? यीशु जमीन पर झुके, उसने उस कान को उठाया और कान को लगा दिया और पतरस से कहा, पतरस अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नष्ट हो जाएगा। और उस कान को जमीन से उठाकर, मिट्टी से उठाकर, कटे हुए कान को मिट्टी से उठाकर उस सैनिक को वापस दे दिया और वो चंगा हो गया, ठीक हो गया। क्या उस परमेश्वर को कोई छू सकता है? लेकिन उसने होने दिया, उसने होने दिया। पिलातुस कहता है कि एक बार अपने मुंह से कह दे, एक बार अपने मुंह से कह दे, तुझे छोड़ देंगे, मेरे पास वो सामर्थ है तुझे जेल में डाल देने की, तुझे क्रूस पर चढ़ा देने की, मेरे पास सामर्थ है, लेकिन अगर तू एक बार अपने मुंह से बोल दे कि तूने कुछ नहीं किया, हम छोड़ सकते हैं। उसकी पत्नी आई, पिलातुस की पत्नी आई, उसने कहा, ये यीशु है ना, ये धर्मी है, इसके मामले में हाथ मत डालना, ये धर्मी व्यक्ति है। पिलातुस डर गया, क्योंकि पत्नी कह रही है तो मानना पड़ेगा, पत्नी कह रही है तो एक बार जरा मौका तो दे दे, एक बार तू अपने मुंह से कह दे कि तूने कोई पाप नहीं किया, तू निर्दोष है, छोड़ने की संभावना है, छोड़ने की संभावना है जी। लेकिन आप जानते हैं, यीशु ने ये नहीं कहा, अपने बचने के लिए, अपने भागने के लिए रास्ता नहीं ढूंढा, यही सही मौका है। पिलातुस सामने, गवर्नर, भैया गलती हो गई, नहीं नहीं नहीं, उसने कहा, उसने पिलातुस से कहा, यह अधिकार मैंने तुझे दिया है, यह अधिकार ही मैंने तुझे दिया है कि तू मुझे क्रूस पर चढ़ाए, क्योंकि जब तक मैं क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाऊंगा, बहुतों के लिए उद्धारकर्ता कैसे बनूंगा? मुझे क्रूस पर चढ़ना होगा। जैसे एक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर जाता है, एक गेहूं का दाना, एक गेहूं का बीज मिट्टी में गिरकर मर जाता है, लेकिन आप जानते हैं 70 दाने पैदा करता है, खुद मर जाता है लेकिन 70 दाने पैदा करता है। ठीक इसी तरह
जब तक मैं नहीं मरूंगा इस संसार का उद्धार नहीं होगा। लोग जीवन को नहीं पा पाएंगे, जीवन के उस मुकुट से वंचित रह जाएंगे, उस अनंत काल के राज्य से वंचित रह जाएंगे। मुझे क्रूस पर जाना होगा, मुझे इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस मृत्यु को चखना होगा, मुझे ऊंचे पर जाना होगा ताकि मैं बहुतों की अपनी ओर खींच लाऊं। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा सर्वदा बना रहेगा। उसने क्रूस को सर्वदा का जीवन दिया। आप देखिए, आज वो जीवन आपको देना चाहता है, अपना वो भाग आपको देना चाहता है, अपनी करुणा, अपनी दया वो आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब इस कार्यक्रम का, इस सत्संग का आयोजन किया 3 दिन के लिए, आपका यहां आने का लक्ष्य क्या है? आप क्या देखने आए हैं? आप क्या प्राप्त करने आए हैं? आप जानते हैं परमेश्वर क्या चाहता है? आप क्या चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है ये उससे भी महत्वपूर्ण है। उसने अब्राहम को कहा, निकालिए वचन, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 पद। आज इस सभा का, इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इतने बड़े भव्य आयोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका लक्ष्य हम समझेंगे और प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 पद पढ़ें और इस कार्यक्रम के लक्ष्य को समझने की कोशिश करें। पढ़िए, आप में से जिसको मिल जाए वो पढ़े। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान, इसको सुन लीजिए, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, और आगे क्या लिखा है, और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज हम इस सभा में क्यों आए हैं? आज हम इस सभा में क्यों आए हैं? अपने घरों से निकलकर इस आंगन तक क्यों पहुंचे? इस घरों से निकलकर इस आंगन तक पहुंचने का एक लक्ष्य है कि हम सिद्ध बने, हम सिद्ध बने। और हम उस सिद्धता को कैसे प्राप्त करेंगे? दर्शन कहता है समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए आदित्य परमेश्वर को जानकर मनुष्य उस जीवन को प्राप्त कर सकता है, उस सिद्धता को प्राप्त कर सकता है, उस अंधकार से निकल सकता है।